फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2024 में 8 मार्च शुभ दिन शुक्रवार को महाशिवरात्रि महापर्व पड़ रहा है। तमाम साधक इस दिन व्रत उपवास रखकर माँ पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की उपासना करते हैं और अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं। महाशिवरात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। शिव और शक्ति के मिलन का दिन है ये। शिवरात्रि के दिन यदि विधि विधान के साथ रुद्राक्ष धारण किया जाए तो उसके अनंत फल मिलते हैं। करना क्या है, शिवरात्रि से एक दिन पूर्व आप रुद्राक्ष ले आए, उसे कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर जल से उसको धुलें, शुद्ध करें। तत्पश्चात तिल का तेल अथवा चंदन केसर का इत्र हाथ में लगाकर उस रुद्राक्ष की माला को लेपन करें और सर्वप्रथम वह माला किसी प्रतिष्ठित शिवलिंग को धारण कराते हुए ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप करते हुए उसे धारण करें। शमशान में रुद्राक्ष पहनकर कतई न जाएं। रात्रि में सोने से पहले रुद्राक्ष की माला उतार के रख दें। रुद्राक्ष के नियम हैं और बहुत ही कठोर नियम है। जब हम उन नियमों का पालन करते हैं तभी रुद्राक्ष, जिसे साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया है, हमें लाभ देता है। रुद्राक्ष पहनने वाले को मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। झूठ न बोले, लंपटाई न करें, किसी को धोखा न दे। इस प्रकार के नियम का पालन करने पर ही रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव के स्वरूप में हमारी मदद करता है और हर संकटों से हमें मुक्ति दिलाता है।